नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, अगर आपका बच्चा सिक्का निगल गया है तो परेशान ना हो, अपना ही ये घरेलू उपाय। दोस्तों, छोटे बच्चे को लेकर कई सारी समस्याएं और टेंशन होती है, जिनमें से एक ये है कि अगर उसके गले में कुछ अटक जाए तो आपको बहुत परेशानी होती है। ऐसे में आप कई तरह के उपाय करके हार मान लेते हैं, लेकिन समस्या बरकरार रहती है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे ही घरेलू उपाय से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे अगर आपका बच्चा सिक्का निगल जाए तो आप तुरंत उसे निकलवा सके। तो आइए जानते हैं कि हमारे इस वीडियो में क्या है खास। जी हाँ, अगर बच्चे के गले में कुछ अटक जाए तो आप सबसे पहले अपना धैर्य न खोएं, बल्कि शांति बनाए रखें। बताते चले कि सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा क्या निगल गया है, क्योंकि इससे आपकी आधी समस्या तो अपने आप छूमंतर हो जाएगी। आपको बता दें कि आपके बच्चे के रोने की आवाज़ से पता लग सकता है कि आखिर मामला कितना गंभीर है। जब बच्चे के गले में कुछ फंस जाता है तो बहुत तेजी से रोने लगता है, इसके साथ ही वो चिल्लाने और छटपटाने लगता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। घरेलू उपाय से गले में कुछ अटक जाए, निकाले गले से। जी हाँ, सबसे पहले बच्चे को आगे की तरफ झुकाए, फिर बच्चे के सीने को एक हाथ से दबाने के साथ ही दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर 5 से 6 बार ठोक मारें। बता दें कि इस प्रक्रिया के 2 से 3 बार दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के गले में कफ बनेगा, जिसकी वजह से गले में फंसा सिक्का बाहर वापस आ जाएगा। बता दें कि बच्चे के गले में सिक्का फंसने पर उसके पेट के ऊपरी भाग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ने के साथ ही उस पे झटके से दबाव डालते रहिए, ताकि सीने की सांस नीचे जाने के बजाय ऊपर आए, इससे सिक्का बाहर निकल सकता है। इन सब के अलावा आप सिक्का फंसने के बाद बच्चे को तब तक खांसने दें जब तक उसके गले में कफ न बन जाए, क्योंकि कफ बनने से फंसी हुई चीज़ गले से बाहर निकल आएगी। हालांकि यहाँ आपको एक और बात बता दें कि इन सारे उपायों के बावजूद अगर सिक्का बाहर ना रहा हो तो आप बिना किसी देरी करें डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें और उनसे जल्दी कोशिश कराकर बच्चे को समस्या से निजात दिलाएं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।